प्रेस वार्ता में आज मुख्य प्रदेश अध्यक्ष एवं शिमला संसदीय क्षेत्र से सांसद सुरेश कश्यप जी उपस्थित हैं। उनके साथ भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष संजीव कटवाल जी, भाजपा के कोषाध्यक्ष और शिमला शहर से प्रत्याशी संजय सूद जी और मैं भाजपा सह मीडिया प्रभारी करनंदा इस प्रेस वार्ता में आपका स्वागत करता हूँ। मैं निवेदन करूंगा सुरेश कश्यप जी अपना विषय आपके समक्ष रखेंगे। आज की इस प्रेस वार्ता में सभी प्रेस के बंधुओं का मैं स्वागत करता हूं। मेरे साथ आज हमारे पार्टी के उपाध्यक्ष श्री संजीव कटवाल जी, पार्टी के कोषाध्यक्ष संजय सूद जी और मीडिया के हमारे सह प्रभारी कन्नंदा जी। कई दिनों से आप लोगों से रूबरू होने का की इच्छा थी, लेकिन क्योंकि मेरा पार्लियामेंट का सेशन था इसलिए आपसे मुलाकात नहीं हो सकी। क्योंकि अभी हमारा ये बजट सत्र चल रहा है और अभी 13 फरवरी को ब्रेक हुआ है, 13 मार्च से 6 अप्रैल तक हमारा सत्र रहने वाला है। सबसे पहले तो बजट को लेकर कुछ बातचीत आपसे करना चाहूंगा। जैसा कि हम जानते हैं ये बजट अमृतकाल का बजट है और हमारा आज़ादी का अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं और इस बार का जो बजट विशेष रूप से मैं कहना चाहूँगा कि 2047 में भारत विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में खड़ा हो, उस दिशा में हमारा देश आगे बढ़े, उस दृष्टि से ये बजट आया है। इस बजट में विशेष रूप से सप्तऋषि की संज्ञा इसको दी गई है और एक सर्व समावेशी सर्वस्पर्शी बजट जिसमें हमारे युवा साथी, महिलाएं, हमारे अनुसूचित जाति जनजाति, हमारे ओबीसी वर्ग के लोग, हमारे दिव्यांग जन, हर वर्ग का ध्यान इसमें रखा गया है और ये प्रयास है कि हर वर्ग को इसका लाभ मिल सके और विशेष रूप से मध्यम वर्ग की जो विशेष अपेक्षा इससे थी, मध्यम वर्ग का भी विशेष ध्यान रखा गया। जब इनकम टैक्स की जो छूट की सीमा थी 5 वर्ष से बढ़ाकर उसको 5 लाख से बढ़ाकर उसको 7 लाख रुपये कर दिया गया है, मैं समझता हूँ मध्यम वर्ग के लिए एक विशेष राहत देने का काम इस बजट में किया गया है। जिस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का विशेष ध्यान रखने की इस बजट में बात कही गई है, साथ ही साथ अगर हम हिमाचल के परिप्रेक्ष्य में देखें तो टूरिज्म डेवलपमेंट में ज़्यादा बढ़ावा मिले और ज़्यादा से ज़्यादा डोमेस्टिक और फॉरेन टूरिस्ट हमारे देश में आए, उसी से मैं समझता हूँ एक महत्वपूर्ण पहल हिमाचल प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में हम कह सकते हैं। इसी प्रकार से रेलवे का जो बजट आया, ऐतिहासिक बजट इस बार रेलवे को दिया गया है। हम जिस प्रकार से कनेक्टिविटी की बात करें, एयर कनेक्टिविटी को लेकर 50 नए एयरपोर्ट्स को प्रारंभ करने की बात इसमें रखी गई है। स्वास्थ्य क्षेत्र में भी विशेष ध्यान रखा गया है। कुल मिलाकर मैं समझता हूँ हर क्षेत्र में हमारा देश आगे बढ़ सके, ऐसा एक बजट प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। और अगर हम हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश को इस बजट में जहां रेलवे में 1902 करोड़ रुपया मिला है, जिसमें कि हमारे चाहे वो नंगल तलवाड़ा रेल लाइन है, भानुपल्ली बिलासपुर है, चंडीगढ़ बद्दी जिसका काम चला हुआ है, या फिर शिमला जो हमारी हेरिटेज रेलवे लाइन है और हेरिटेज ट्रेन है, मैं समझता हूँ रेलवे की दृष्टि से हिमाचल प्रदेश को भी पहली बार इतना बजट इस बार के बजट में मिला है। हिमाचल प्रदेश में भी जहां रेलवे में अच्छा हमको बजट मिला है, साथ ही साथ अन्य क्षेत्रों में भी अगर हम देखें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की दृष्टि से भी हिमाचल प्रदेश को विशेष तवज्जो इसमें मिली है और हिमाचल प्रदेश के जो विभिन्न प्रोजेक्ट्स उसमें चाहे रोड से संबंधित हैं या दूसरे प्रोजेक्ट्स हैं, आने वाले समय में हम देखेंगे कि हिमाचल प्रदेश को भी इसका लाभ आने वाले समय में होगा। बजट के बाद दूसरा जो आपसे
बात करने का विषय है। हम जानते हैं आज प्रदेश में कांग्रेस की सरकार और लगभग 2.5 महीने के करीब कार्यकाल इनका पूर्ण होने को है, लेकिन हम देखते हैं कि जो अपेक्षाएं इस सरकार से थी और जनता ने जो इस सरकार से एक जो उन्होंने इच्छा रखी थी कि ये सरकार आते ही बहुत कुछ करेगी, लेकिन अभी तक उस दिशा में ये सरकार नाकाम रही है। पिछले लगभग 2.5 महीने में लोगों को कुछ मिला तो नहीं, लेकिन ये अवश्य मिला कि बहुत सारे कार्यालय बंद कर दिए गए, टैक्स का बोझ जनता के ऊपर पड़ गया, और जो गारंटियां इन्होंने दी थी 10 गारंटियां इन्होंने सत्ता में आने के लिए, सत्ता हथियाने के लिए जनता के बीच में रखी थी, लेकिन अभी तक एक भी गारंटी पूरी नहीं हुई। दूसरी ओर जो पूर्व की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जनहित में कार्यालय खोले थे, लगभग 620 कार्यालय इन्होंने इसमें से बंद कर दिए। बहुत सारे ऐसे कार्यालय जिसमें कि जो कार्यालय चल चुके थे, जहां अधिकारियों की नियुक्ति हो गई थी, जहां बजट का प्रावधान था, सुचारू रूप से जिन्होंने कार्य करना प्रारंभ कर दिया था, उसको भी इन्होंने बंद कर दिया, जो कि मैं समझता हूं प्रदेश की जनता के साथ एक बहुत बड़ा धोखा हुआ। सुबोर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड हमीरपुर, जो कि इन्होंने बंद कर दिया, इन्होंने वादा युवाओं से किया था कि हम प्रतिवर्ष 1 लाख रोजगार देंगे, 1 लाख की जगह अभी ये 20,000 में आ गए, अपनी बात से पलट गए। लेकिन लगभग 4200 ऐसे अभ्यर्थी थे जिनको कि सिलेक्शन का इंतजार था, जिनके लिए जिन्होंने अपने डॉक्यूमेंटेशन करवा दिया था और लगभग फाइनल स्टेज के ऊपर उनकी नियुक्तियां होने वाली थी, ऐसे समय में इन्होंने हमीरपुर सिलेक्शन बोर्ड को बंद किया। युवाओं के साथ बहुत बड़ा धोखा इस सरकार ने किया है, 2.5 महीने बीत जाने के बाद भी अभी ये इसको प्रारंभ नहीं कर पाए। मैं समझता हूँ युवाओं के साथ एक, जिसको मैं कह सकता हूँ, जो इन्होंने वादा किया था, वादा खिलाफी का काम इन्होंने किया। 1 लाख युवाओं को हम रोजगार देंगे, ऐसी बात इन्होंने कही थी, लेकिन इनकी जो पहली कैबिनेट हुई, पहली कैबिनेट में इन्होंने एक सब कमेटी बनाई और बाद में कहा कि अब 1 लाख नहीं, हम 5 साल में 1 लाख को देंगे, अब 20,000 प्रतिवर्ष हम रोजगार देंगे। मैं समझता हूँ युवाओं को जिस प्रकार का प्रलोभन देके सत्ता में सरकार आई, युवाओं के साथ ही आते ही इन्होंने धोखा किया। इसी प्रकार से मैं समझता हूँ कि इन्होंने जो ओपीएस की बात कही थी, इन्होंने कहा था कि सरकार बनने के 10 दिन के अंदर हम लागू कर देंगे, 10 दिन में नहीं हुई, 10 दिन में इनकी पहली कैबिनेट भी नहीं हुई। फिर उन्होंने कहा कि हम पहली कैबिनेट में कर देंगे, पहली कैबिनेट में भी नहीं हुई। फिर इन्होंने 13 जनवरी को इसकी घोषणा की और कहा था 2 दिन में हम जो है इसके रूल फ्रेम करके इसकी नोटिफिकेशन भी कर देंगे, आज तक उसकी नोटिफिकेशन नहीं हुई। एनपीएस का जो हिस्सा एम्प्लॉयज के उस हिस्से में से कटता है, तनख्वाह में से कटता है, जनवरी माह का भी उनका जो हिस्सा था एनपीएस का कट गया, अर्थात अभी तक इस दिशा में भी ये सरकार जो है आगे नहीं बढ़ पाई। आज जो हमारे कर्मचारी बंधु हैं ओपीएस के इंतजार में हैं। महिलाओं को इन्होंने कहा था हम 1500 रुपया प्रति माह महिलाओं के खाते में डालेंगे और एक परिवार की सभी महिलाओं को देंगे, इन्होंने पहली कैबिनेट में उसके लिए सब कमेटी बनाई। सब कमेटी ने जब अपनी रिपोर्ट दी तो प्रदेश की 32 लाख महिलाओं के लिए उन्होंने पहला कहा था, लेकिन सब कमेटी ने कहा पहले 18 लाख और अभी कह रहे हैं कि हम 8 लाख महिलाओं को देंगे, और यह भी कहा कि हम एक परिवार की एक ही महिलाओं को 1500 रुपये देंगे, अर्थात महिलाओं के साथ भी इन्होंने बहुत बड़ा धोखा किया। हम देख रहे थे इस बार विधानसभा के चुनाव में लगभग 4.5% अतिरिक्त वोट पड़े और हमें लगा रहे थे जो जनता के लिए केंद्र सरकार या प्रदेश सरकार भाजपा की सरकार ने काम किया उसका शायद ये नतीजा होगा, लेकिन बाद में देखने में आया कि इन्होंने जिस प्रकार से महिलाओं के फॉर्म भरवाए थे, 1500 रुपये का प्रलोभन दिया था और उसका नतीजा रहा कि महिलाओं के वोट अधिक पड़े, अर्थात कांग्रेस पार्टी को उसका फायदा हुआ, लेकिन इन्होंने सत्ता में आते महिलाओं के साथ भी धोखा किया। इन्होंने युवाओं के साथ धोखा किया, इन्होंने महिलाओं के साथ धोखा किया, इन्होंने किसानों के साथ धोखा किया। इन्होंने कहा था कि हम किसानों का जो है, जो किसान भाई हैं, गोबर जो हम एकत्रित करेंगे उसका उन गोबर भी खरीदेंगे, आज जो उस विषय में बात भी कहीं पर नहीं करते। 300 यूनिट फ्री बिजली की बात इन्होंने कही थी,
अभी मैं पढ़ रहा था दो दिन पहले ही कि जिनका बिजली बोर्ड जो घाटे में चला 250 करोड़ रुपए का, उन्होंने बैंकों से ऋण लिया है तनख्वाह देने के लिए, पेंशन देने के लिए, और अभी फिर से इनको तनख्वाह भी देनी है और पेंशन भी देनी है, अर्थात जो 125 यूनिट हमारी सरकार ने शुरू किया था उसको भी इन्होंने बंद कर दिया। आज प्रदेश की सरकार एक ही रोना रोती है, कर्ज कर्ज और कर्ज, और भारतीय जनता पार्टी को कोसने में पीछे नहीं रही है। लेकिन मैं ये भी कहना चाहूंगा कि कर्ज की शुरुआत भी अगर की है तो कांग्रेस की सरकार ने की, और जब 2012 में धूमल जी मुख्यमंत्री थे और मुख्यमंत्री से हटे तो उन्होंने उस समय प्रदेश के ऊपर मात्र 27,000 करोड़ रुपए का कर्जा था। 2017 में जब स्वर्गीय श्री वीरभद्र सिंह जी जब मुख्यमंत्री पद से हटे तो उस समय 55,000 करोड़ का कर्जा हिमाचल प्रदेश के ऊपर हो गया था, और जब जयराम जी मुख्यमंत्री पद से हटे तो प्रदेश के ऊपर 69,000 करोड़ का कर्जा था। हमारी सरकार ने जो ऋण लिया था वो इनके समय के जो देनदारियां थी और जो ऋण के ऊपर ब्याज था उसमें हमारी सरकार ने उसके लिए ऋण लिया। लेकिन आज जो है 75,000 करोड़ की बात करते हैं उसमें आप देख सकते हैं कि हमारी सरकार ने मात्र 69,000 करोड़ कर्जा लिया था। उसके बाद वर्तमान सरकार ने दिसंबर माह में 1,000 करोड़ लिया, जनवरी में 1,500 करोड़ रुपये लिया, और अभी 2,000 करोड़ रुपये और लेने की बात हो रही है। अर्थात अभी 3 महीने भी मात्र पूरे नहीं हुए 45,000 करोड़ रुपये का कर्जा, 4,500 करोड़ रुपये का, 4,500 करोड़ का कर्जा इस सरकार ने मात्र 3 महीने में ले लिया। तो जो सुखविंदर सुक्खू जी कह रहे हैं, जो जिस प्रकार से श्रीलंका बनाने की वो बात कह रहे हैं, मुझे लगता है कि हिमाचल प्रदेश उसी दिशा में आगे बढ़ रहा है। अगर हम यही गति अगर कर्ज लेने की इनकी रही है तो लगभग 1,850 करोड़ रुपये का कर्जा ये 1 साल के अंदर अंदर ले गए, और 5 साल का फिर आप अंदाजा लगा दीजिए कि कहाँ पर हम पहुँचेंगे। तो 1,850 करोड़ का कर्जा लेंगे, और अगर आप 5 साल का देखेंगे तो हम इन्हीं 5 सालों में 90,000 करोड़ के करीब पहुंच जाने वाले। तो स्थिति बहुत विकट है, सरकार संसाधन जुटाने की दृष्टि में कहीं पर भी गंभीर नहीं लगती है। वैट बढ़ाने का काम अवश्य इन्होंने किया। राहुल गांधी जी पूरे देश भर में भारत जोड़ो यात्रा में महंगाई और बेरोजगारी की बात कर रहे थे, महंगाई को लेकर आते ही इन्होंने वैट बढ़ाया, डीजल के ऊपर 3 रुपए बढ़े, तेल की बोतल 9 रुपए महंगी हुई। अर्थात आते ही हिमाचल प्रदेश ने, जहाँ राहुल जी भाजपा सरकार को कोस रहे थे, इन्होंने आते ही लोगों के ऊपर जो है उनको वैट बढ़ाकर जो है महंगाई का तोहफा दिया। युवाओं के साथ भी हिमाचल प्रदेश में जो सुवर्णेट सिलेक्शन बोर्ड है उसको बंद करके जो अभ्यर्थी नौकरी के जो जिनकी नौकरी लगनी थी उनके साथ भी इन्होंने धोखा किया। अर्थात बेरोजगारी और महंगाई दोनों मामले में प्रदेश की जो वर्तमान सरकार ने, इन्होंने हिमाचल प्रदेश में आते ही महंगाई का बोझ भी और बेरोजगारी जो है युवाओं के साथ इस प्रकार का धोखा भी करने का काम किया। इन्होंने अभी ध्यान में आया है कि जो हमारे क्षेत्र में विधायक निधि के थ्रू काम होते थे, विधायक निधि की जो अंतिम किश्त थी इस बार उसको भी इन्होंने बंद कर दिया। डिप्टी कमिश्नर के माध्यम से जो पैसा विकास कार्यों के लिए लगता था, छोटे छोटे काम होते थे, किसी की सड़क का काम होता था, टैंक बनाने का काम होता था, रास्ते बनाने का काम होता था, अर्थात जो छोटे छोटे विकास कार्य विधायक निधि के तहत या डीसी फंड से, जिसमें कि एसडीपी का फंड होता था या सीआरएफ का फंड होता था, उसको भी इन्होंने बंद करने का निर्णय लिया। अर्थात सब कुछ ही बंद करने की ओर ये सरकार बढ़ रही है। मैं समझता हूँ बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारी सरकार ने पिछले 5 वर्षों में हर क्षेत्र का विकास किया और समानांतर विकास करने का प्रयास भाजपा की सरकार ने किया, लेकिन इन्होंने आते ही विकास को भी बंद कर दिया, कार्यालयों को भी बंद कर दिया, और मैं समझता हूँ हर तरफ जो है बंद करने की ओर यह सरकार आगे बढ़ रही है। दूसरी ओर हम ये बात भी देख रहे हैं कि जिस प्रकार से पिछला 2 महीने से ज्यादा का समय हो गया है, सीमेंट फैक्ट्री का जो विवाद चला हुआ है, हमारे जो ट्रांसपोर्टर्स हैं, ट्रक ऑपरेटर्स हैं, करीब 2 महीने से ज्यादा का समय होगा, क्योंकि 14 जनवरी को एसीसी बरवाना और एसीसी डारला घाट के प्लांट बंद हो गए थे, लेकिन अभी तक ये विवाद सुलझाने में यह सरकार नाकाम रही है।
अभी तक जिस प्रकार का जो गतिरोध बना हुआ है, हमारे जो ट्रांसपोर्टर्स हैं उनको जहां अपनी जो गाड़ियों की किस्तें देने में उसमें दिक्कत हो रही है, साथ ही साथ जो छोटे छोटे कारोबारी थे, चाहे वो चाय वाला था, ढाबे वाला था, दूध वाला था, या छोटे कारोबार करने वाला था, पंचर वाला था, इस प्रकार के जो छोटे कारोबारी थे आज उनके छोटे कारोबार बंद हो गए। प्रवासी लोग जो वहाँ इस क्षेत्र में काम कर रहे थे आज उनका पलायन हो गया। और हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं जिस प्रकार से रिवेन्यू लॉस प्रदेश की सरकार को हुआ, क्योंकि दोनों सीमेंट प्लांट होने से बंद होने से करीब 250 करोड़ रुपए का नुकसान अभी तक प्रदेश सरकार को उठाना पड़ा है। मैं समझता हूँ ये भी बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। दूसरी ओर प्रदेश की सरकार इन ऐसा संज्ञान में आया है कि कलेक्शन के ऊपर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, कबाड़ के व्यापारी जो है ठेकेदार तय हो गए हैं, इसके साथ साथ जो क्रशर थे उनकी यूनियन बन गई है, उनके भी रेट फिक्स हो गए हैं, ठेकेदारों के साथ भी रेट फिक्स हो गए हैं। कई दुखिए जिनके सुखू सरकार ने आते ही कई दुखिए के दुख दूर करने की ओर जो है इस सरकार आगे बढ़ रही है। कुछ अधिकारीगण जो कि भाजपा के खिलाफ चार्जशीट बनाने में कांग्रेस को सहयोग कर रहे थे, उनका विशेष ध्यान रखा जा रहा है। ऐसे बहुत सारे विषय आने वाले समय में उसको लेकर भी हम आपके साथ कई सारी बातें जो है आने वाले समय में हम आपके साथ उनको रूबरू उसको लेकर भी होंगे। कुल मिलाकर हम देख रहे हैं कि जिस प्रकार से हिमाचल प्रदेश में नई सरकार आने के बाद जनता को जो उम्मीदें होती हैं, क्योंकि 25 जनवरी को भी प्रदेश के जो कर्मचारी और प्रदेश की जनता को ये उम्मीद थी कि नई सरकार आई है, बहुत कुछ जो है आते ही उस दिशा में आगे बढ़ेंगे हम, चाहे डेवलपमेंट की दिशा में या बहुत सारे कोई नई शुरुआत यह सरकार करेगी, लेकिन नई शुरुआत तो नहीं हुई। हाँ, शुरुआत हुई तो कार्यालय बंद करने की हुई, शुरुआत हुई तो महंगाई की मार की शुरुआत हुई, वेट बढ़ाने की हुई, सेस बढ़ाने की हुई। अभी आज भी मैं पढ़ रहा था कि जो हाइडल प्रोजेक्ट्स है उनके ऊपर भी जो है सेस बढ़ाने की बात चल रही है, अर्थात प्रदेश की जनता के ऊपर अतिरिक्त कर का बोझ बढ़े और प्रदेश की जनता को महंगाई की मार उससे रूबरू होना पड़े, कार्यालयों में लोगों को चक्कर काटने पड़े। जो कार्यालय बंद हुए तो प्रदेश की जनता को किस प्रकार से नुकसान उठाना पड़ रहा है, उनको कई कई किलोमीटर का सफर करके एक छोटे छोटे कार्य के लिए जाना पड़ रहा है। और ऐसे ऐसे जो जनहित में इनको काम करने चाहिए थे, ये जनता के साथ जो है इस प्रकार से जनता को प्रताड़ित करने का प्रयास कर रहे हैं। अभी पिछले कल हिमाचल प्रदेश के कांग्रेस के प्रभारी शुक्ला जी आए हैं और शुक्ला जी ने आते ही कहा कि आप जो करना है करिए, भाजपा की बातों की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि शुक्ला जी, भारतीय जनता पार्टी जो है प्रदेश की जनता की आवाज़ को उठा रही है, भारतीय जनता पार्टी कोई राजनीति नहीं कर रही है, प्रदेश की जनता की बात को हम जो है सरकार के ध्यान में ला रहे हैं कि आपने आते ही किस प्रकार से प्रदेश की जनता को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया है, आपने किस प्रकार से प्रदेश की जनता के ऊपर कर्ज का बोझ बढ़ाने का काम आप जो है कर रहे हैं, प्रदेश की जनता के ऊपर महंगाई बढ़ाने का काम आप कर रहे हैं, प्रदेश की जनता के लिए जो कार्यालय खुले थे उनको बंद करने का काम आप कर रहे हैं और प्रदेश के ऊपर कर्ज बढ़ाने का काम आप कर रहे हैं। आप अच्छा होता आप कोई नया कार्य शुरू करते, आप विकास की दृष्टि से हिमाचल प्रदेश को आगे ले जाने में कोई पहल करते, लेकिन उस दिशा में ये सरकार अभी तक कुछ भी करने में नाकामयाब रही। दूसरी ओर मैं समझता हूं कि जिस प्रकार से केंद्र सरकार का लगातार आशीर्वाद हमको मिला है माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, हिमाचल प्रदेश को अनेकों संस्थान और हिमाचल प्रदेश को जो अपना दूसरा घर कहते हैं उस दृष्टि से माननीय मोदी जी ने हिमाचल प्रदेश का ध्यान रखा है। और मैं समझता हूं अभी भी जब वर्तमान मुख्यमंत्री माननीय मोदी जी से मिलकर आए तो मोदी जी ने उनको भी आश्वस्त किया कि हम प्रदेश को जिस प्रकार से पहले हमने ध्यान रखा है, आने वाले समय में जो प्रदेश की जनता से हमारा लगाव है उसी प्रकार से प्रदेश की जनता का प्रदेश का ध्यान केंद्र की सरकार रखने वाली है। इतना ही मुझे आपसे कहना था, बहुत बहुत धन्यवाद। जी रेशमि, कर्ज ले गई है प्रदेश सरकार और इस तरह की और जो चीजें जारी है। अभी हाल ही में एक बयान आया है जो पूर्व में मुख्यमंत्री रहे हैं शांता कुमार जी का, कि भाजपा को थोड़ा
शांत रहने की जरूरत है, सब्र करने की जरूरत है, क्योंकि अभी थोड़ा समय देना चाहिए प्रदेश सरकार को, नहीं क्या कहना चाहिए? देखिए आपके ध्यान में ही होगा, वैसे तो माननीय शांता जी हमारे वरिष्ठ नेता हैं, उनका उनकी जो भी बात होती है हमारे लिए मार्गदर्शन का काम वो करती है, और निश्चित रूप से जो उन्होंने बात कही है हम प्रयास करेंगे कि हम उसका पालन करें। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे ही संस्थान बंद करना इन्होंने प्रारंभ किया, हमने शुरू में प्रदेश की जनता ने और भारतीय जनता पार्टी ने धरना प्रदर्शन प्रारंभ किए थे, लेकिन फिर यही बात सोच करके इनको समय दिया जाना चाहिए, हमने समय दिया और लगभग 2 महीने से ज़्यादा का समय हो गया, लेकिन जो भी निर्णय सरकार ले रही है वो जनता विरोधी और जनता को मैं समझता हूँ जनता के पक्ष में कोई निर्णय अभी तक की सरकार ने नहीं लिया है, और मजबूरन आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को अभी जिस प्रकार से हमने जो शुरुआत की थी हमने भी थोड़ा समय देने की बात कही, लेकिन अब जिस प्रकार के निर्णय ले रहे हैं मुझे लगता है कि आने वाले समय में जनता की आवाज़ को हमको उठाना होगा, हम एक मजबूत विपक्ष की भूमिका अदा करेंगे, और भारतीय जनता पार्टी ने तय भी किया कि अभी हम जनता के बीच में हस्ताक्षर अभियान करके जो संस्थान खोले हैं उसके उसको लेकर जनता का जन जागरण करें, और जिसमें 15 फरवरी से लेकर 25 फरवरी तक हमारा जन जागरण और हस्ताक्षर अभियान है, और 25 फरवरी के बाद हमारा जिला स्तर के ऊपर धरना प्रदर्शन हम करने वाले हैं, लेकिन अभी शांतिपूर्ण ढंग से इस सरकार को हम जगाने का प्रयास कर रहे हैं। सर आपने सरकार से पूछा है कि श्रीलंका कब बन रहा है हिमाचल प्रदेश, सर ये देखिए जिस प्रकार से सुखविंदर सुक्खू जी हमारे जो सम्माननीय मुख्यमंत्री जी हैं कई बार इस बात को कह सके कि हम हिमाचल प्रदेश भी बहुत जल्दी श्रीलंका बनने वाला है, अर्थात जिस प्रकार से वर्तमान सरकार की कार्यशैली है या जिस प्रकार से अभी सरकार ने आते ही ऋण लेने का जो इन्होंने जो कदम उठाए उस दृष्टि से लगता है कि जिस प्रकार से सरकार आगे बढ़ रही है तो जैसे हालात श्रीलंका के हुए तो जो जिस प्रकार से सुखविंदर सुक्खू जी का बयान आया है तो निश्चित रूप से उनके मन में कोई बात होगी, तो मैंने उनसे यही पूछा था कि आप कब तक बनाने जा रहे हैं और आपके मन में इसको लेकर क्या है। आपने कहा कि SSP बंद कर दिया गया, वो युवाओं के साथ धोखा है, पिछली सरकार में पेपर लीक हुए, क्या वो युवाओं के साथ धोखा है? देखिए पिछली सरकार के समय में जो जो पेपर लीक का मामला आया था उसमें सरकार ने जैसे हम पुलिस पेपर लीक की बात करें तो तुरंत कार्रवाई करते हुए और ना केवल उसकी जांच करवाई SIT का गठन किया, साथ ही साथ शीघ्र ही 1 महीने के अंदर अंदर दोबारा परीक्षा करवा कर जो है युवाओं को जो है रोजगार तुरंत ही जो उपलब्ध भी करवाया, और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि इस प्रकार के जो मामले हैं उसमें सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए, जो भी दोषी हो दोषी को सजा मिलनी चाहिए, कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन हिमाचल प्रदेश जो हमीरपुर सिलेक्शन बोर्ड को बंद करके जो अभ्यर्थी जो रोजगार का इंतजार कर रहे थे कहीं ना कहीं उनके साथ धोखा हुआ है। कृष्ण जी आप कह रहे हैं कि यहाँ पे सुखविंदर जी ने कहा कि श्रीलंका जैसे हालात हो जाएंगे और फाइनेंशियल क्रंच है हिमाचल प्रदेश में, तो क्या भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते और जयराम जी से सहयोग करते हैं मुख्यमंत्री से सहयोग करके आप क्या भारत के देश के प्रधानमंत्री से बेल आउट पैकेज देखिए अभी तो जो सुखविंदर सुक्खू जी ने जो बात कही है उन्हीं के बयान में वो क्या कहना चाहते हैं, वो श्रीलंका को लेकर श्रीलंका की परिस्थितियां क्या रही, लेकिन सुखविंदर सुक्खू जी क्या कहना चाह रहे हैं सबसे पहले तो इस बात की भी उनको स्पष्ट करना चाहिए कि उन्होंने इस बात को क्यों कहा है, और जहां वो कर्ज की बात पूर्व की सरकार के ऊपर जो है उसके ऊपर लगा रहे हैं स्वयं भी तो उसी दिशा में वो आगे बढ़ रहे हैं। अभी तो कोई नई योजना इन्होंने प्रारंभ नहीं की लेकिन फिर भी ऋण लेने में इन्होंने रिकॉर्ड बनाना शुरू कर दिया है, तो कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ सरकार को भी स्पष्ट करना चाहिए कि वो किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, वो क्या करना चाह रहे हैं, क्या उनकी प्रदेश को विकास के मामले में आगे ले जाने की दिशा में उनकी क्या रणनीति है, ये चीज उनको स्पष्ट करना चाहिए। अगर वो कहते हैं कि बेल आउट पैकेज के लिए देखिए मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारे जब अटल जी प्रधानमंत्री थे तो आर्थिक पैकेज हमको मिला था, लेकिन यही सरकार थी जिसने उस आर्थिक पैकेज को समाप्त कर दिया था, उसके जो उसको समय से पहले समाप्त करने वाली भी यही सरकार थी, और यही सरकार थी जब हिमाचल प्रदेश को स्पेशल कैटेगरी स्टेट का स्टेटस मिला था इसी सरकार ने उसको भी समाप्त करवाया था, लेकिन मोदी जी ने आते ही उसको भी बहाल किया, और आज जितनी भी
केंद्र प्रायोजित योजना है उसे 90-10 में जो है हिमाचल प्रदेश को स्कीमों के लिए बजट का आवंटन हो रहा है। और इस बार के बजट में भी चाहे वो हिमाचल प्रदेश है या नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं या लेह लद्दाख है जम्मू कश्मीर है, विशेष ध्यान उसका इस बार के बजट में भी रखा गया है। मैं कहना चाहूँगा कि मोदी जी ने जो उनका हिमाचल प्रदेश के प्रति प्यार है, लगातार उन्होंने चाहे वो हम वंदे भारत ट्रेन की बात करें या हम ड्रग पार्क की बात करें, हम मेडिकल डिवाइस पार्क की बात करें, हम IIM की बात करें, हम मेडिकल कॉलेजेस की बात करें, हिमाचल प्रदेश को बहुत सारे तोहफे मिले हैं। रेणुका बांध 7,000 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा है, अटल टनल को समय से पूरा पहले पूरा करवाना, तो अनेकों ऐसी बातें हैं जो केंद्र की सरकार ने माननीय मोदी जी को हमको दिया है। सर लगातार सरकारें बदलती हैं और नशे जो है वो एक बड़ी चुनौती जो है वो बनती जा रही है, युवा जो है वो नशे जो बढ़ रहा है। भाजपा की तकरीर जो है वो 3 राज्य कमेटी भी बनाई गई थी लेकिन अभी तक जो है नशे का कारोबार लगातार बढ़ रहा है, तो क्या मैं समझता हूँ ये बहुत चिंता का विषय है। हमारा युवा नशे से बचे तो हमारी सरकार ने उस समय भी प्रयास किया था और चंडीगढ़ में 3 राज्यों की एक बैठक भी हुई थी जिसमें हमारे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी और 3 स्टेट्स के मुख्यमंत्री भी उसमें थे। मैं समझता हूँ वर्तमान सरकार को भी ऐसे कदम उठाने चाहिए कि नशे को हम किस प्रकार से कंट्रोल कर सके, क्योंकि हमने देखा है कि हमारा पड़ोसी राज्य उसकी नशे पंजाब की नशे के कारण क्या स्थिति हो गई थी, और प्रदेश सरकार को इस दिशा में कड़े कदम उठाने चाहिए और हम भारतीय जनता पार्टी भी प्रदेश सरकार के साथ इसमें खड़ी है। कश्यप जी आपने कहा कि वर्तमान सरकार में कुछ अफसर ऐसे हैं भाजपा के खिलाफ चार्जशीट बनाने में लगे हुए हैं, तो आप क्या इस बात को मानते हैं कि पूर्व की भाजपा सरकार की अफसरशाही ने पकड़ कमजोर की और वर्तमान सरकार? नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता, लेकिन कुछ लोग कुछ अधिकारी जो हैं अपने स्पेशल अपने अलग से अपने आप को दिखाने का प्रयास करते हैं, और मैं समझता हूँ कि कुछ लोग कुछ अधिकारीगण अपने आप को स्पेशल उसमें उनको आने वाले समय में फायदा हो सके, चाहे पोस्टिंग्स को लेकर है या दूसरे विषयों में, तो ऐसा कुछ अधिकारियों का जो है ध्यान में मामला है। तीन देखिए, निश्चित रूप से माननीय नरेंद्र मोदी जी की छवि को खराब करने का एक प्रयास कुछ साजिशों के तहत ऐसा प्रयास किया जा रहा है, उसमें चाहे बीबीसी डॉक्यूमेंट्री की बात करें या फिर जैसा कि अभी जिस बयान की जो आप सोरोस के बयान की हम बात आपने की है, तो ऐसी कुछ इंटरनेशनल ताकतें हैं जो कि आज हमारा देश जिस प्रकार से आगे बढ़ा है, हम दुनिया की सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बने, हमारी जो GDP आज लगभग 7% के करीब है, जब हम बहुत सारे विकसित राष्ट्रों को भी देखते हैं कि भारत से बहुत पीछे हैं, और जो महंगाई की दर है उसमें भी हमारे देश की महंगाई दर लगभग 6% के करीब है, 6% के करीब है, अर्थात हमारी GDP भी ग्रोथ रेट भी हमारी बहुत हाई है, हमारा देश आगे बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहा है, तो बहुत सारे जो है लोगों को ये बात आज हजम नहीं हो रही है। और चाहे हम BBC डॉक्यूमेंट्री की बात करें या हम दूसरे विषयों की बात करें, और जहां तक राफेल की बात है या फिर गुजरात दंगों की बात है, तो उसमें तो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट जो है क्लीन चिट जो है दे चुका है, तो लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये प्रयास किया जा रहा है कि हमारे देश की छवि को, और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो आज दुनिया के सबसे सर्वश्रेष्ठ नेता है, कहीं ना कहीं उनकी छवि को खराब करने का प्रयास किया जा रहा है। ये सीमेंट बात देखिए, उसमें मैं भी स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा
कि हम लोग नहीं चाहते कि किसी प्रकार की पॉलिटिक्स इसमें की जाए, किसी प्रकार की राजनीति की जाए। मामला जो है एसीसी प्रशासन और ट्रांसपोर्टर्स के बीच का है, और हमने इस बात को कहा, माननीय अनुराग जी ने भी इस बात को कहा कि जहां पर भी हमारी आवश्यकता है हम सरकार को पूर्ण सहयोग करेंगे, लेकिन अगर इस मामले को तय करना है या जो रेट को लेकर नोटिफिकेशन करनी है या विवाद को अगर कहीं सुलझाना है तो सरकार को इसमें मध्यस्थता करनी है। और मैं भी कहना चाहूंगा क्योंकि मेरे क्षेत्र का भी दाड़ला घाट का जो सीमेंट प्लांट है मेरे क्षेत्र में आता है, तो मैं और जो हमारे ट्रांसपोर्टर्स हैं मैं उनसे मिला भी, मैंने उनसे बात भी की और मैंने कहा कि पहले सरकार जो है इस दिशा में आगे बढ़े, सरकार को ही तय करना और सरकार को ही मध्यस्थता करनी है, लेकिन हमारी जहां पर आवश्यकता है उसमें चाहे हमारे माननीय अनुराग जी हैं या मैं स्वयं हूं, तो हम लोग जहां सरकार को हमारी आवश्यकता है हम लोग उसके लिए तैयार हैं, हमको जो भी करना है हम उसके लिए कहीं कहीं पर भी हमारी ओर से कोई कमी नहीं रहने वाली। पंजाब के मुख्यमंत्री हिमाचल आए थे, उनके साथ कोई बेअदबी वाला मामला है, पंजाब में काफी उसको लेकर विवाद हो गया है, भाजपा भी अपने हैंडल से उसको यूज कर रही है, आपको क्या लगता है ऐसे मसले को किस तरह से देखा? देखिए ये तो इनफैक्ट चन्नी जी जो पूर्व मुख्यमंत्री पंजाब है उनको देखना था। अब बहुत ज़्यादा उस विषय को लेकर मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगा क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी भी इस विषय की नहीं है, क्योंकि जो पगड़ी के ऊपर टोपी वाला, लेकिन उन धार्मिक दृष्टि से उनका क्या इस और मैं उसमें बहुत ज़्यादा, क्योंकि मुझे ना इस विषय को लेकर बहुत ज़्यादा जानकारी है बेअदबी वाली जहाँ तक बात है, और ना मैं इस विषय में कोई बहुत ज़्यादा ऐसी टिप्पणी करना चाहूँगा। ये चन्नी जी को ही समझना चाहिए, उनको समझना चाहिए था, या जिन लोगों ने सम्मान किया तो क्या ये उचित था, ये उनका ही विषय, तो मैं इस विषय में बहुत ज्यादा नहीं। डीनोटिफिकेशन वाले इशू पर मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं भाजपा जो है जनता को गुमराह कर रही है, क्योंकि जबकि प्लानिंग की जो बैठक थी उसमें सभी भाजपा के विधायकों ने हामी भरी है और ये माना है कि बजट की कमी है और जो जो संस्थान जरूरी है वो बहाल कर दिए जाएंगे और वो हो भी रहे हैं। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, देखिए मैं ये स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा, भाजपा में जो विधायक हमारे प्लानिंग की बैठक में उन्होंने सभी विधायकों ने सभी की एक ही मांग थी, जो संस्थान बंद किए गए हैं उनको तुरंत चालू किया जाए, क्योंकि जो भी संस्थान खुले थे, और मैं अपने क्षेत्र की बात करना चाहूंगा कि जहां से मैं विधायक रहा हूं, उस क्षेत्र में आईपीएच का डिवीजन अपना नहीं है, दो हिस्से पछात विधानसभा क्षेत्र के, एक राजगढ़ है दूसरा सराह क्षेत्र है, और आईपीएच के दो डिवीजनों के अंदर यह विधानसभा क्षेत्र आता है, राजगढ़ का क्षेत्र नौराधार जाता है, सराह का क्षेत्र नाहन जाता है, और दोनों जगह की दूरियां जो पछात विधानसभा क्षेत्र से बहुत ज्यादा है, तो वहां पर आईपीएच का डिवीजन खुला था, सारी स्कीमें नाहन से भी पछात में आ गई थी, नौराधार रेणुका जी से भी पछात में आ गई थी, बजट भी सारा ट्रांसफर हो गया था, एक्शन भी वहां पर बैठ गए थे, एसडीओ भी वहां पर आ गए थे, जेई आ गए थे, क्लेरिकल स्टाफ आ गया था, सुचारू रूप से सारे काम हो गए थे, बजट जितना था वहां से एग्जॉस्ट हो रहा था, वहां से एक्सपेंड हो रहा था, एक्सपेंडिचर उसका हो रहा था, अर्थात बहुत सुचारू रूप से वो काम करना उसने शुरू कर दिया था, अपना डिवीजन एक विधानसभा में खुल गया था, नहीं तो अपना डिवीजन नहीं था, दो क्षेत्रों में वो क्षेत्र बंटा हुआ था, लेकिन इस सरकार ने आते ही उसको भी बंद कर दिया, और आज हमारे लोगों को आईपीएच का जितना भी काम है, डिवीजन लेवल का जो काम है, सराह वालों को नहान जाना पड़ता है, राजगढ़ वालों को नौराधार जाना पड़ता है, क्या ये व्यवहारिक है? दूसरा मैं एक और बात कहना चाहूंगा, मेरे अपने गांव में एकमात्र बस चलती थी जो वाया आती थी, मेरे घर के लिए नहीं थी, वाया आती थी, है सरकार ने उस बस को बंद कर दिया, मेरे गांव में एक छोटा सा दैट फॉरेस्ट का एक रेस्ट हाउस था जिसको इंस्पेक्शन हट हम कहते हैं, इस सरकार ने उसको बंद कर दिया, एकमात्र, क्योंकि मैं तो इंटीरियर एरिया से आता हूं, मेरा गांव जो है काफी इंटीरियर है, और वहां पर एक छोटा इंस्पेक्शन हट हमने बनवाया था, एक छोटा रेस्ट हाउस जिसमें दो कमरे हैं, जहां कभी अगर आपको बैठना या छोटे मोटे जो कभी किसी से मिलना है लोगों से, या विशेष रूप से जो सरकारी अधिकारी कर्मचारी आते हैं वो 5 मिनट के लिए बैठ सकते थे, टॉयलेट जाना है, उसको भी इन्होंने बंद कर दिया, उसको गार्ड हट बना दिया, वहां फॉरेस्ट के गार्ड को उसका उसके रहने की उसके लिए इन्होंने उसको खरीद दिया। मतलब बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसे ऐसे छोटे छोटे से जो संस्थान है या एक रेस्ट हाउस है या एक बस, अब बस बंद करने से क्या लाभ हो जाएगा जी? अगर बस की कहीं ऐसी डिमांड थी तो एक बस और चला देते, लेकिन उस बस को बंद कर दिया जो वाया घूम के मेरे घरों के जाती थी, तो ऐसे से बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है
कि ऐसा निर्णय, एक पुलिस चौकी जो सुंदरनगर की शायद है जो 79 में कभी खुली थी, इन्होंने उसको भी बंद कर दिया। तो ऐसा निर्णय इन्होंने लिया, ये कह रहे जी हम रिव्यू करेंगे। अरे भाई जब बंद कर दिया तो रिव्यू क्या करेंगे, पहले रिव्यू करते फिर बंद करते। अगर इनको लगता कि ये उचित नहीं है संस्थान, अगर ये नहीं जो है सारा क्राइटेरिया मीट नहीं करता तो उसको बंद करते, लेकिन आपने सभी को बंद कर दिया। अब कह रहे हम रिव्यू करेंगे, हम दोबारा खोलेंगे। अर्थात जो प्रक्रिया, जैसे मैं आईपीए डिवीजन की कह रहा था, जो पूरी प्रक्रिया हो गई थी, फिर वही प्रक्रिया उसको बंद करने के बाद सारे अधिकारी वहां से ट्रांसफर हुए। आए तो पहले ज्वाइनिंग टाइम भी लिया, टीएडीए भी लिया, अब वापस गए तो फिर ज्वाइनिंग टाइम लिया, टीएडीए लिया, अब दोबारा खोलेंगे तो फिर अधिकारी आएंगे, फिर ज्वाइनिंग टाइम भी लेंगे, टीएडीए भी लेंगे, सारा सब कुछ वो भी लेंगे, फिर से व्यवस्था कार्यालय की। अभी उसके लिए कार्यालय भवन का निर्माण नहीं हुआ, एक प्राइवेट बिल्डिंग हमने ली थी, अब वो बिल्डिंग जो है वो खाली करनी पड़ी, दोबारा जब दोबारा खुलेगा तो दोबारा हम पूरा वो करेंगे। तो आप अंदाजा लगाइए कितना टाइम कंज्यूमिंग है, कितना बजट कंज्यूमिंग है, और इससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है संस्थान बंद करने, क्योंकि जो भी संस्थान खुले पब्लिक डिमांड के ऊपर खुले हैं, जनता की डिमांड के ऊपर खुले हैं, तो उनको बंद करना मैं समझता हूँ कोई उचित निर्णय नहीं है, दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार को चाहिए था कि पहले संस्थानों को रिव्यू करते और अगर लगता कि उचित नहीं है, यहाँ फिजिबल नहीं है, तो उसको बंद कर देते, लेकिन आते ही एक उनको बंद कर देना मैं समझता हूँ दुर्भाग्यपूर्ण। आप जनपद जी नहीं देखिए, मैं कहा जैसा मैंने कहा कि हमारा एरिया इंटीरियर एरिया है और गांव को कनेक्ट करते हुए इतना ज्यादा वहाँ कोई पब्लिक का वो भी नहीं है कि जो बहुत ज्यादा, क्योंकि गांव का एरिया। और अगर आप मेरे क्षेत्र में देखें तो हमारे यहाँ एक घर का भी गांव है, अलग 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 जगह छोटे छोटे गांव है, दो घर का, तीन घर का, तो ऐसे करके सड़क है, बसें वहाँ दो तीन बसें आती हैं, लेकिन डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के लिए जो बस जाती थी, एक बस जो वाया करके आती थी, उसको उन्होंने बंद कर दिया। आप जनपाल के